अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मेरे पास सिल्की कूल वालों का कुछ प्रोडक्ट है और आज मैं आपको इसके हवाले से बताऊँगी कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि आप मतलब कहीं पार्लर में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप ये चीज़ें अगर आपके पास घर में मौजूद हैं तो ये ले लें, ये बहुत ही अच्छी हैं। प्राइजेज में तो अच्छी खासी हैं, मतलब सस्ती तो नहीं है, मतलब 1000 से अबव भी होगी या 1000 तक होगी, क्योंकि मैं एक साथ चीज़ें लेती हूँ, मुझे नहीं आइडिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास सिल्की कूल वालों का एक गोल्ड मेरे पास मसाज करीम है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फेशियल में करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास घर में और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट हों, आपका एक अच्छा किस्म का फेशियल हो जाएगा जी। तो इसमें मतलब ये मसाज हमारे पास, आप इसको क्लिनज़र भी कह सकते हैं, क्रीम भी कह सकते हैं, एक ही बात है, क्लीन करने के लिए। तो खैर, इसको आपने अच्छे से मतलब आपकी, जैसे कि इसको पैकिंग नज़र आ रही है, पैकिंग बहुत ही खूबसूरत है, स्मूथ है और ये काफ़ी टाइम चल भी जाती है। लेकिन ये फिर वही बात होती है, बड़े जार होते हैं, पॉलर में तो यूज़ हो जाते हैं, मगर जैसे कि घर में एक आध बंदे के लिए फिर साल 1.5 साल बाद एक्सपायरी हो जाना फिर प्रॉब्लम्स करता है। अच्छा, लेकिन इसका मैं टेक्सचर आपको चेक करा दूँ, काफ़ी क्रीमी है, मतलब गिरता नहीं है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ना कि ऐसे वो नहीं है, क्रीम की तरह है काफ़ी। अच्छा, इसको लगा के हमेशा जब भी आपने निकालना है, किसी स्टिक पोल का स्टिक से ही निकालना है, ठीक है, ये याद रखिएगा आपने। और ये देखिए, ये मैं आपको लगा के बता रही हूँ, बहुत ही मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही इसमें मॉइस्चराइज मिक्स है, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज होगा, बहुत ही मतलब आप ऐसे फील में मुझे आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही मज़ा आता है जब मैं अपनी स्किन का करती हूँ, इसकी खुशबू इतनी कोई मज़े की है ना कि बस क्या मैं आपको बताऊँ, हनी की तरह आलमंड इसमें मिक्स है। तो जैसे कि अब ये दूसरी मैं आपको स्क्रब दिखा रही हूँ, स्क्रब इसी तरीके से गोल्ड, जैसे कि उन्होंने बताया कि गोल्ड स्क्रब है, वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है कि इसमें गोल्ड है भी कि नहीं है, या हमें सिर्फ गोल्ड के नाम पे हमें पागल बनाया हुआ है, वो मैं मुझे नहीं पता। लेकिन ये कि कुछ ना कुछ शायद होगा। तो ये सिल्की कूल वालों का गोल्ड का है, इनका स्क्रब है, और इसका भी मैं अंदर से आपको टेक्स्चर चेक करा देती हूँ, ये इसकी पैकिंग चेक कर लें। तो ये भी मतलब 1000 से अबव ही है, और ये इसकी पैकिंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करिए इसके अंदर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि ये मैंने खोला है, नहायत ये देखें ग्लिटरी ग्लिटरी सा है और ट्रांसपेरेंट के अंदर इन्होंने ग्लिटर और ज़ाहिर है बीच में ऑयल भी हैं, नो डाउट इसमें चीज़ें इन्होंने मिक्स किए हुए हैं। तो ये देखें, ये चेक करें इसका, ये चेक करें, ये इसका बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब आपने इसको जब भी करना है, यूज़ करना है, मसाज करना है, लेकिन ये याद रखना है कि अपनी सख्ती वाला हाथ नहीं करना, एक्नी वाली स्किन पे बहुत ध्यान से हल्का सा काम करना है, नहीं ज़रूरत तो नहीं करना, ये डेड स्किन रिमूव करता है आपके जो भी है ना, मतलब पोर्स अगर किसी के ओपन है और आप उसको रगड़े लगाना शुरू कर दें फिर आपकी स्किन जो है ना मज़ीद डैमेज। आपको ग्लिटर दिखा रही हूँ क्लोज करके, ये चेक करें जी, इसमें ग्लिटर कितना इनफ है, अब नहीं पता ग्लिटर है या गोल्ड के चंक्स हैं, लेकिन आजकल तो गोल्ड गोल्ड गोल्ड, फिर तुहानू तो पता है ना चंगी तरह। अच्छा चलें जी, जो भी है मेरी, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जिस तरीके से आपने सख्त हाथ से मसाज बिल्कुल भी नहीं करना, ये याद रखिएगा, और एक्नी वाली स्किन को परेशान नहीं करना कि जी ये एक्नी हमारी स्किन रिमूव हो जाए, नहीं, उल्टा आपका और डैमेज हो जाएगी। अच्छा जी, ये अब आपको मास्क दिखा रही हूँ, सिल्की कूल वालों का ये मास्क है, और ये इतना कोई अच्छा है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना, आप गर्मियों में ना सिर्फ ये आप मास्क यूज़ कर लें, जो कि ये आपके पास ही आपको उतना कूल कूल है, मज़ेदार है भाई, आप लोग, आपको लगे कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, कुछ भी है, पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है, और उसको क्लोज करने के लिए, या किसी ने अगर वैक्स अपने फेस की है, आप उसके बाद ये अप्लाई करेंगे तो होए क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। आपने ये अपने हाथों पर लगाना है, लगा के उसके बाद जो है ये चेक करें जी, ये हम ये हाथों पर लगाया, और थोड़ा इस तरीके से ज़्यादा बारीक भी नहीं लगाना, जो कि ये पहले गलती से, असल में बच्ची वीडियो बना रही थी, फिर मैंने उसको कहा नहीं जी बेटा जी ज़रा मास्क को थोड़ा सा थिक लगाया जाता है, थोड़ा सा पता चले। तो खैर, क्योंकि हाथ में मेरे मोबाइल था, खैर एक बंदा मोबाइल पकड़ता है तो दूसरा बंदा ये करता है। उसके बाद ये मास्क लगा के आपने 20 मिनट्स रख देना है, इसका कोई टेंशन नहीं है, लगा के तुसी आटा गूंद लो, कोई और काम कर लो, सब्ज़ी काट लो, मास्क लगा लो, ना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। ये लगाने के बाद उसके बाद आपने अपना फेस अच्छे अच्छे तरीके से, प्यारे से तरीके से धोया, और आपकी स्किन क्या होगी जी, ग्लो करेगी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त पोर्स क्लोज 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 हो जाएंगे।
अच्छा, फर्स्ट में मसाज क्रीम, सेकंड में स्क्रब, थर्ड पे मास्क, ये लगाना ज़रूर याद कीजिएगा। और आप लोगों ने क्या करना चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया। क्या हो गया भाई, कर लीजिएगा। नौशीन आप ही बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती है, टाइम निकालती हैं, कोई आसान काम नहीं होता। हमें लग तो रहा होता है कि चलो छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं होता, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी मेहनत का सिला दे दें। दुआ में नौशीन को ज़रूर याद कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।